हेलो एवरीवन, जसप्रीत हेयर। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान। सब्जेक्ट इज कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एंड दिस इज चैप्टर 6 एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक दैट इज माइक्रो ऑपरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले माइक्रो ऑपरेशन होता क्या है। इन कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइक्रो ऑपरेशन आर द फंक्शनल और एटॉमिक ऑपरेशंस ऑफ ए प्रोसेसर। क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सीपीयू है, उसमें जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो एक फंक्शनल और एटॉमिक हम बोल सकते हैं कि एक ऑपरेशंस होते हैं एक प्रोसेसर के, कि हम मतलब कि कौन कौन से जैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएं, जैसे आपको आगे मैं बताऊंगी। दीज आर लो लेवल इंस्ट्रक्शन। ये लो लेवल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूज्ड होती हैं इन सम डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स मशीन इंस्ट्रक्शंस। जो कॉम्प्लेक्स मशीन इंस्ट्रक्शन है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है। द ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड ऑन डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। जो ऑपरेशंस, ठीक है, एग्जीक्यूट होते हैं ऑन डाटा, जो मतलब कि रजिस्टर में डाटा स्टोर है हमारा, उस पर वो ऑपरेशन जो है एग्जीक्यूट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक है। ये ऑपरेशंस हैं जो रजिस्टर में डाटा स्टोर है उनको हम एग्जीक्यूट करने के वक्त यूज़ करते हैं। अ माइक्रो ऑपरेशन इज़ एन एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन और मोर रजिस्टर। वही बात है, देखो माइक्रो ऑपरेशन क्या है, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है जो परफॉर्म होता है इंफॉर्मेशन पर जो स्टोर है एक या एक से ज़्यादा रजिस्टर में, जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उन पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, शिफ्ट, काउंट, क्लियर, लोड, ये सारे हमारे पास क्या हैं, माइक्रो ऑपरेशंस हैं। तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। माइक्रो ऑपरेशन की टाइप कौन कौन सी हैं। द माइक्रो ऑपरेशन इन डिजिटल कंप्यूटर आर ऑफ 3 टाइप्स। हमारे पास 3 टाइप्स हैं माइक्रो ऑपरेशन की। पहली है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस, सेकंड है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन एंड थर्ड वन है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन जो है परफॉर्म करती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। हमारे जो रजिस्टर्स हैं कंप्यूटर में, उसमें जो न्यूमेरिक डाटा स्टोर होता है, ठीक है, नंबर की फॉर्म में जो डाटा स्टोर होता है उन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन की हेल्प से। और लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है बिट पर, ठीक है, बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन ऑन नॉन न्यूमेरिक डाटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। ये जो हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डाटा है, मतलब हम बोलेंगे कि नंबरिंग में डाटा नहीं है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है, उस पर हम परफॉर्म करते हैं बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन की हेल्प से, ठीक है। तो थर्ड है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। ये परफॉर्म करते हैं हम शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डाटा। ये डाटा पर ही डायरेक्ट हम परफॉर्म करते हैं शिफ्ट वाला। तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन में क्या होता है। आपको जैसे पता ही है नाम से, अर्थमेटिक का मतलब जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आ जाता है, ठीक है, वो अर्थमेटिक होता है। सम ऑफ द बेसिक माइक्रो ऑपरेशन जो हमारे पास हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये हमारे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन है। तो जैसे देखो ऐड माइक्रो ऑपरेशन, एक हमारे पास ऐड, ये हमारे पास एक ऑपरेशन है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन है ऐड। तो ठीक है, इसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम इसे देख सकते हैं। देखो R1 रजिस्टर है प्लस R2 रजिस्टर है और ये है हमारे पास R3 रजिस्टर। इन दोनों का एडिशन हम देखो ये देखते हैं। द अबव स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट्स द डाटा और कंटेंट ऑफ रजिस्टर वन, जो रजिस्टर वन में जो भी डाटा हमारा है, टू बी एडेड टू डाटा और कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू, उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड द सम, जो उनका दोनों का सम आएगा वो क्या होगा, शुड बी ट्रांसफर्ड टू रजिस्टर R3। जैसे मान लो R1 में हमारे पास 10 पड़ा है, ठीक है, और R2 रजिस्टर में 20 पड़ा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30, और जो 30 है वो किस में चला जाएगा, रजिस्टर 3 में 30 हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये था ऐड माइक्रो ऑपरेशन। ये देखो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। तो सबट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन में देखो,
सब्ट्रैक्ट में जैसे ये वाला देखो यूज, लेट अस अगेन टेक एन एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल इसे हम सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम इसे वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। इसमें देखो आप देख रहे होगे कि प्लस प्लस ये सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। इन सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइनस ऑपरेटर, हम माइनस ऑपरेटर यूज़ करने की बजाय वी टेक वंस कॉम्प्लीमेंट, हम वंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं एंड एड एड वन टू द रजिस्टर विच गेट्स सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, और हम वन ऐड कर देते हैं उसमें जो हमारे पास आता है। देखो जैसे ये है आर वन माइनस आर टू इज इक्वेलेंट, ये इसके इक्वेलेंट है, ठीक है, इसके ये इक्वेलेंट, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर जो भी इसमें है उसका हम क्या कर दें ऑपोजिट, जैसे मान लो हमारे पास इसमें था 1 0 तो उसका हम ऑपोजिट कर देंगे 0 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा और इसका आएगा दोनों सेम ही हमारे आंसर होते हैं, जब हम मतलब उसे वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे उसमें हम फिर 1 ऐड करेंगे और जो आर 1 में है ऑलरेडी उसे उसमें ऐड करके फिर वो आर 3 में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट माइक्रो ऑपरेशन था। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन आर जनरली परफॉर्म्ड बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, 2 एंड फ्रॉम द रजिस्टर रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोल रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट माइक्रो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसमें हम एक तो या तो 1 ऐड कर देते हैं, अगर हमने इंक्रीमेंट करना है तो जैसे रजिस्टर 1 में ऑलरेडी जो पहले है उसमें हम इंक्रीमेंट एक ऐड कर देंगे तो वो इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशन बन जाएगा, और अगर हम उसमें से एक माइनस कर देंगे तो वो डिक्रीमेंट हमारा माइक्रो ऑपरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था, जैसे ऑलरेडी मान लो आर वन में हमारे पास कितना है 10 है, और अगर हम इन 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 फिर आर वन में चला जाएगा, पहले आर वन में 10 था अब इंक्रीमेंट करके कितना हो गया 11, उसके बाद फिर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर वो आर वन में ऐड हो जाएगा, ऐसे ये इंक्रीमेंट होता है। और डिक्रीमेंट कैसे हो जाएगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि आर वन में 10 है तो 10 से एक माइनस किया तो 9, तो आर वन में 9 चला जाएगा, डिक्रीमेंट हो गया, और फिर 9 एंड 9 से हम एक माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 फिर आर वन में चला जाएगा। ये इंक्रीमेंट के लिए है, ये हमारे पास डिक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशंस के लिए है। जैसे ये देखो हमारे पास ये सब मतलब कि हमने इकट्ठा लिखा हुआ है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। सबसे पहले हमारे पास है ये वाला, वो एक मिस्टेक थी, मैं ये थी कि हमारा एरो इस साइड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी ऐड होगा वो लास्ट में जिसमें जाता है उसकी तरफ एरो होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी हमारी मिस्टेक थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी ये वाला एरो इस साइड होगा क्योंकि जिसमें लास्ट में जाता है उस साइड हमारा एरो होना चाहिए, तो उसमें आप इसमें देखो, इसमें सारा हमारा क्लियर है। ये क्या है R1 प्लस R2, और जो रिजल्ट आएगा वो R3 में जाएगा। देखो कंटेंट ऑफ R1 ऐड हो जाएगा R2 में और ट्रांसफर्ड टू R3, फिर वो R3 में चला जाएगा। ये हमारे पास क्या है, सिंबॉलिक डेजिग्नेशन सही है, ठीक है, एरो इस साइड होना चाहिए। और R1 से माइनस R2 कर देंगे हम, कंटेंट ऑफ R1 माइनस R2 और ट्रांसफर्ड हो जाएगा R3 में, ये भी देखो। और ये कॉम्प्लीमेंट का है, जो ऑलरेडी है उसे कॉम्प्लीमेंट करके हम R2 में डाल रहे हैं। और ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ठीक है, पहले कॉम्प्लीमेंट फिर उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो ये भी इसमें जा रहा है। ये सारे हमारे पास अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन है। और नेक्स्ट है हमारे पास R1 प्लस R2 कॉम्प्लीमेंट, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट है ये, और R1 के साथ ऐड होके फिर वो R3 में जा रहा है। देखो R1 प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ R2, तो ये हमारे पास एक्चुअली ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये बिल्कुल इससे जो इसका रिजल्ट आएगा वो सेम टू सेम इसका रिजल्ट भी सेम ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों का रिजल्ट इक्वल होता है, तभी हम सब्ट्रैक्शन की जगह पर ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है इंक्रीमेंट, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। और डिक्रीमेंट, देखो R1 में प्लस 1 हो जाएगा तो वो गया R1 में, R1 से माइनस हो जाएगा, तो ये वाला डिक्रीमेंट का हमारा ऑपरेशन है।
तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन हमारे हो गए, अब हम लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन देख लेते हैं। दीज आर बाइनरी माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द बिट स्टोर्ड इन द रजिस्टर। ये क्या होते हैं? बाइनरी माइक्रो ऑपरेशन है जो हमारे रजिस्टर में बिट्स स्टोर होती हैं उन पर हम परफॉर्म करते हैं। तो दीज ऑपरेशन कंसिडर ईच बिट सेपरेटली एंड ट्रीट दैम एज बाइनरी। देखो क्या बोल रहे हैं, दीज ऑपरेशन कंसीडर ईच बिट सेपरेटली, मतलब ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हर एक बिट जो होती है वो सेपरेटली होती है एंड ट्रीट दैम एज बाइनरी वेरिएबल, और हम मानेंगे कि हर एक बिट जो है वो एक बाइनरी वेरिएबल है। ठीक है, लेट अस कंसीडर द एग्जॉर। हम एग्जॉर माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर ये लॉजिक होते हैं ना, लॉजिक हमारे पास और एंड नॉर एग्जॉर, ये सारे हमारे पास लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। तो हम एग्जॉर माइक्रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो रजिस्टर हैं R1 एंड R2। देखो ये क्या है, R1 रजिस्टर है और ये हमारे पास R2। इन दोनों पर हमने एग्जॉर अप्लाई किया, तो जो एग्जॉर अप्लाई करके आएगा उसे हम फिर दोबारा R1 रजिस्टर में ही डाल रहे हैं। तो ये हमारी की क्या है, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन फॉर एग्जॉर के लिए है। ठीक है, तो वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड कंट्रोल फंक्शन, और हमने यहाँ पर ये P जो यूज़ किया है ये एक कंट्रोल फंक्शन है कि जब P इक्वल्स टू 1 हो या P इक्वल्स टू 0 हो तब ये वाला परफॉर्म हो। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, तो ये P जो हमने यूज़ किया है वो कंट्रोल फंक्शन है। देखो ये हमारे पास एग्जांपल है उसकी, अज्यूम दैट ईच रजिस्टर हैज़ 3 बिट्स। मान लो हम बोल रहे थे दो रजिस्टर हैं R1 और R2, इनमें 3 बिट्स हैं हमारे पास, 3 बिट्स हैं। ठीक है, R1 में है 010, R2 में है 100, और जब हम इसका XOR परफॉर्म करेंगे तो देखो हमारे पास रिजल्ट आएगा 110, और हमने बोला था कि वो R1 में ही चला जाएगा आफ्टर P इक्वल्स टू 1। मतलब R1 पहले इसमें ये बिट्स थी, ये कब होगा, मतलब जो रिजल्ट है वो इसमें कब स्टोर होगा, जब P इक्वल्स टू हमारे पास जो कंडीशन अप्लाई की है कंट्रोल स्टेटमेंट वो 1 होगी, तब R1 में हमारे पास उसका दोनों का एग्जोर होके रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जोर आपको पता ही होना कि एग्जोर में क्या होता है। एग्जोर में हमारे पास क्या होता है मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो XOR मतलब कि ये बिट्स मान लो आपके पास 0 0, ठीक है, फिर है हमारे पास 0 1, फिर है 1 0, और फिर है 1 1। XOR में हमारे पास क्या होता है, XOR में जो भी रिजल्ट आता है उसमें क्या होता है कि जो अगर हमारे पास एक बिट 1 होगी तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 होगा, अदरवाइज वो 0 होगा। जैसे ये दोनों 0 हैं तो इसका हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। इनमें से देखो दोनों में से एक बिट 1 है तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, इसमें भी हमारे पास एक बिट क्या है 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा, और इसका हमारे पास क्या है, दोनों 1 है तो ये भी 0 आएगा। अगर दोनों इकट्ठे 0 हैं या दोनों इकट्ठे 1 हैं तो हमारे पास 0 आएगा, अदरवाइज हमारे पास 1 आएगा। तो अब आप इसे समझिए, देखो 2 times 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ गया, और देखो इनमें से एक बिट 1 है तो 1 आ गया, इनमें से भी एक बिट 1 है तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास 110 XOR करके ऐसे आया है। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते देखो तो नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन में क्या होता है, जो हमारा डाटा है उसे बस हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सीरियल ट्रांसफ़र होता है उसका। इसका मतलब क्या है, जो भी रजिस्टर में कंटेंट होगा वो या तो शिफ्ट होगा लेफ्ट या फिर होगा राइट। ठीक है, मतलब कोई उसमें जो रजिस्टर में कंटेंट है कंटेंट चेंज नहीं होगा, बस वो शिफ्ट हो जाता है या तो लेफ्ट साइड पर या फिर राइट साइड पर। जैसे देखो इन द शिफ्ट लेफ्ट, जो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन है उसमें क्या है, सीरियल इनपुट ट्रांसफ़र अ बिट टू द राइट मोस्ट पोजीशन, मतलब कि वो राइट साइड पर ऐसे ऐसे हमारा राइट साइड पर बिट्स जो हैं शिफ्ट होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट होता है। और शिफ्ट राइट ऑपरेशन है जो उसमें जो सीरियल इनपुट ट्रांसफ़र होती है बिट की वो लेफ्ट पोजीशन में हमारे पास क्या होता है, देखो इस साइड ऐसे जाता है। ठीक है, तो वो हमारा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होती हैं। देर आर 3 types of shift, हमारे पास 3 तरह की शिफ्ट ऑपरेशन है। पहला है लॉजिकल शिफ्ट।
लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, इट ट्रांसफर ज़ीरो थ्रू द सीरियल इनपुट. जो हमारी ज़ीरो है उसे पहले तो वो सीरियल इनपुट में ट्रांसफ़र करेगा. द सिंबल एस एच एल इज यूज्ड फॉर लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट. ये हम यूज़ करते हैं लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट के लिए, और ये हम यूज़ करते हैं एस एच आर लॉजिकल शिफ्ट राइट के लिए. तो देखो जैसे ये है हमारे पास शिफ्ट राइट आर वन और शिफ्ट लेफ्ट आर वन, मतलब कि रजिस्टर सेम है, रजिस्टर में कोई वो नहीं है. बस हमने अगर एस एच आर लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि जो बिट्स हैं वो हमारी लेफ्ट साइड को क्या करेंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, राइट साइड के लिए, और लेफ्ट वाले में हमारे पास वो राइट साइड में शिफ्ट होंगी. द रजिस्टर सिंबल मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो. जो रजिस्टर हमारा सिंबल होता है वो हमारे पास जो शिफ्ट ऑपरेशंस है इसमें सेम रहता है, क्योंकि रजिस्टर में कुछ चेंज नहीं होता. एक रजिस्टर में डाटा सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है, बस वो शिफ्ट होता है. तभी देखो यहाँ पर भी आर वन है, यहाँ पर भी हमारे पास आर वन रजिस्टर ही है. तो सेकंड हमारा जो है वो है सर्कुलर शिफ्ट. पहला हमारा था लॉजिकल शिफ्ट, दूसरा है हमारे पास सर्कुलर शिफ्ट. दिस सर्कुलेट्स और रोटेट द बिट ऑफ रजिस्टर अराउंड द टू एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ डाटा और कंटेंट. देखो जैसे आप मान लो सर्कल है, ठीक है, तो जैसे ही हमारी लेफ्ट साइड वाली बिट है उसे राइट साइड पर चला ले जाएगा. अगर हमने राइट साइड वाली को लेकर जाना है वो लेफ्ट साइड चली जाएगी, मतलब कि जो हमारे पास एक लीनियर में और सीरियल में था उसे उसने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया. तो तभी हम इसे बोलते हैं सर्कुलर शिफ्ट, ठीक है. वही देखो, बिट्स ऑफ रजिस्टर अराउंड टू एंड्स, दो एंड्स में मतलब वो रोटेट होती हैं बिना डाटा के लॉस हुए. इन दिस द सीरियल आउटपुट ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू इट्स सीरियल इनपुट. जो हमारी सीरियल आउटपुट होती है वो सीरियल इनपुट के साथ कनेक्टेड होती है. जो लॉजिकल था उसमें हमारी सीरियल इनपुट अलग होती है और आउटपुट अलग होती है, इसमें ये क्या है, कनेक्टेड होता है. CIL का मतलब हो गया हमारा सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट, और CIR क्या हो गया, सर्कुलर शिफ्ट राइट. तो ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं सर्कुलर शिफ्ट के लिए. और नेक्स्ट है अर्थमेटिक शिफ्ट. अर्थमेटिक शिफ्ट में क्या होता है, दिस शिफ्ट असाइंड बाइनरी टू लेफ्ट और राइट, मतलब कि जो साइन बाइनरी है हमें हमारे पास उसे वो लेफ्ट या राइट पर शिफ्ट करता है. एंड अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, उसमें क्या होता है, जो अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट है मल्टीप्लाई करता है असाइंड बाइनरी नंबर, जो भी हमारे पास साइंड बाइनरी नंबर है उसे टू के साथ क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है. और जो शिफ्ट लेफ्ट जो है वो क्या करता है, डिवाइड द नंबर बाय टू. देखो क्या बोल रहे हैं कि शिफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई करता है हमारे पास, मल्टीप्लाई साइन नंबर बाय टू, एंड और क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है नंबर बाय टू. तो अर्थमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन लीव्स द साइन बिट अनचेंज्ड. जो हमारी साइन बिट होती है वो अनचेंज रहती है, बिकॉज द साइन नंबर रिमेन द सेम व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय टू. क्योंकि जो हमारे साइन होते हैं वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो डिवाइड हो जाए टू के साथ या फिर मल्टीप्लाई हो जाए. और यहाँ पर हमारा शिफ्ट लेफ्ट था तो यहाँ पर शिफ्ट राइट आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर शिफ्ट राइट है, शिफ्ट लेफ्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं टू के साथ, और शिफ्ट राइट में हम डिवाइड कर देते हैं टू के साथ. तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें.